हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या भंडार। मुँ अरविंद। आम प्रीवियस टॉपिक रे वर्डपैड कवर करी, तो आम गोटे नुआ टॉपिक उपर आलोचना करवा जार नाँ हूँ एमएस पेंट। एमएस पेंट गोटे एमती सॉफ्टवेयर जो थे कि आम पिक्चर को किंबा ग्राफिक्स एडिट कर, जमीक पिक्चर रो साइज इनक्रीज डिक्रीज कर, पिक्चर कलर फॉर्मेट चेंज कर, सहित पिक्चर में किसी इनसर्ट कर, टेक्स्ट करिका, ये सब बेसिक एडिट कर पारिया। तो आसंतु मुझे बतेबी आगो को कौन केमती आम एडिट कर पारिया। प्रथम आम एमएस पेंट ओपन करिया कहले आमको स्टार्ट बटन उपर क्लिक करिया को जीवो, अथवा नहीं तो आप माउस रे जाएंगे स्टार्ट बटन क्लिक कर पारिबे। एटी आप सर्च करिबे पेंट पी ए पेंट सर्च कले पेंट आसी जीवो। पेंट रो इंटरफेस टा एमती हमर रहउची, एट देखते मुझे छोट करदेली। सेमती मुझे अलरेडी गोटे नोटपैड आउ वर्डपैड कवर कर दे थी, एटा क्लोज बटन, एटा मैक्सिमाइज बटन, एटा मिनिमाइज बटन। मैक्सिमाइज कले बड़ होटा क्लोज कले आप जो विंडोटा खोलते एमएस पेंट रहा आप क्लोज हो, मिनिमाइज कले मिनिमाइज होटर पेंट रहीगला। ये कौन कर तो फाइल मैन को जी प्रथम आप देखी पार्थे ये अनटाइटल नोटपैड जोटा कि सेव ना, आप जो सेव करदे आपको सेव करदे मुझे सेव करदे गिरी, तो अनटाइटल जगह आपणकर गिरी शो कर देखिपे आप गिरी नाम शो होपर ये किसी सर्टकट अच्छी क्विक आक्सेस ये आपंकर सेव करने सर्टकट अच्छी कंट्रोल एस मारिकी सेव कर, अथवा आप क्विक आक्सेस सेव कर गोटे अंडू रोच आ गोटे रोच रिडो। आपण किसी ये ड्र कर सपोज मुझे गोटे ड्र कली गोटे ड्र कली प्लस आ गोटे ड्र कली एटा मोर भूल ड्र होगा सेकेंड टाइम मुझे काटा चाहूँ, तो ये आप जो सर्टकट की रोच कंट्रोल जेड मारिक आप अंडू करेंगे ना माउस सिंपली क्लिक करले से अंडू हो गए कटिगला। मुझे कीबोर्ड सर्टकट की मारिक कर कंट्रोल प्लस तो जेड देखते कटिगला। सेमती रिडो आपको वापस आने को चाहूँ, तो रिडो उपर क्लिक करेंगे कंट्रोल वाई क्लिक कर आसो ना, तो आप माउस मानुआली करेंगे। तो ये गोटे न्यू रोज कंट्रोल प्लस एन मारे न्यू आप ये गोटे विंडो खोली आप किसी एडिट करते ये आप गोटे नुआ पेंट करा चाहते न्यू ओपन करा चाहते, तो ये माउस सिंपली क्लिक करेंगे डू यू वांट टू सेव। एटा जो मागुच कि आप जो एडिटिंग करटा सेव करा चाहते कि सेव करा चाहूना, जब सेव करा चाहते तो सेव उपर क्लिक करेंगे ना, तो डोंट सेव करी आ गए नुआ एम एस पेंट इंटरफेस आसीगला ब्लांक रही चाहिए किसी भी एडिट करपरि सिंपली एटी रोचे आपण जमी आम आसीगला न्यू ओपन सेव अच्छी ये आपण सेव अच्छी अंडू अच्छी रिडो अच्छी, तो ये आपठी अंटिक करना आउ किसी आप मेल घरिका ये अप्सन रोच आ बदल आप चाहिए मेल को भी नहीं पारे ये सेंड मेल उपर क्लिक कले जगार सेंड मेल सर्टकट ये आसीगला। ये आप इमेल अप्सन गोटे आसीगला एटा इंटरनेट रे आप मेल की घर करें आधे, तो सिंपली आक्सेस करवाईका अंडोटा आवश्यक जल्दी, तो सहीटा को मुझे रखा रिकमेंडेड करी बाकी सब हटाई देव कौन। तापर नेक्स्ट आप गोटे आइकन आज देखिपे एमएस पेंट रहा आइकन कह जाए, तो आप जो नोटपैड ओपन कर नोटपैड रईड आइकन आसो कि वर्डपैड ओपन कर वर्डपैड रसो ये एम पेंट ओपन कर, तो एमएस पेंट रपणकर आइकन ये शो कर, तो तापर जीवा आम फाइल को फाइल को गले आपणकर न्यू सेम जिनस ये जो जिनसटा था न्यू सर्टकटा ये आपंकर अच्छी सेम थिंग अच्छे आधे न्यू आप न्यू गोटे ओपन करेंगे न्यू विंडो। तापर आपंकर ओपन आप एमएस पेंट एडिटिंग कर रखिंट कि ओपन ने जाकिना आपड़ ओपन करेंगे मुझे ओपन रखनी किसी, तो यहाँ किसी आसबनी आप कि अलग किसी इमेज धरक उठाया चाहूँ डेस्कटॉप को जाएंगे ना किसी भी इमेज आसो आप पिक करेंगे आधे देखिए किसी डिस्प्ले अच्छी यहाँ गोटे देखो विश्वकर्मा योजना आता मुझे पिक करा चाहूँ ओपन कली ए पिक्चरटा आमर पेंट ओपन हो गला, तो ये चाहिए मुझे टेक्स्ट करडिटिंग करेंगे ए आइकन रोची मुझे गोटे टेक्स्ट करा चाहूँगी, तो ये मुझे टेक्स्ट करी ठीक है।
ओपन ना काम आजा तो किसी आपणकर पुराणा फाइल अच्छी आपन करने चाहते ओपन करें सेव तो आपको कही अलरेडी वार्ड धरिकार ए फाइलटा जहाँ आप टेक्स्ट करव करने को चाहते ये सेव्रे क्लिक करपर ये सर्टकट तार क्विक एक्सेस अच्छी सेव तार सर्टकट कि कंट्रोल सहित एस कंट्रोल सहित एस प्रेस कले से आप सेव ऑप्शन आसीज से ऑलरेडी सेव हो गिरी ना रे पेंट रे ये जो फाइलटा आप देखुं 37 फाइलटा यहाँ ऑलरेडी सेव होना अच्छी मुझे अलग ना रे सेव करने को चाहूँगी तो मुझे सेव आज उपर क्लिक करी ये सेव आज रे क्लिक कली ये मुझे ना देवा चाहूँगी एक्स वाई जेड तो मुझे ये ना सेव करने को चाहूँगी डेस्कटॉप रे तो डेस्कटॉप रे क्लिक कली आप जो जगह चाहिए डेस्कटॉप रे एतिक फोल्डर अच्छे डाउनलोड फोल्डर अच्छे ड्राइव अच्छी न्यू फोल्डर अच्छी तो आप जो जगह चाहिए से जगार मुझे डाउनलोड रे सेव करने को चाहूँगी डाउनलोड को गलापर आई लव पीडीएफ गोटा फोल्डर अच्छी मुझे सेव करने को चाहूँ ये सेव रे क्लिक कली आम देखिए से फाइलटा से सेव अच्छे कि नहीं मुझे क्लोज करदे प्रथम डाउनलोड को जा प्लेस कले से देखेद कौटी अच्छे डाउनलोड डाउनलोड को ओपन कली मुझे गली आई लव फोल्डर फोल्डर गोटे अच्छे ये ओपन कली मुझे एक्स वाई जेड बी ना सेव करी मुझे ओपन कली सी आपंकर से फाइलटा ओपन हो गला यहाँ पिक्चर फर्माट रे अच्छी मुझे पेंट फर्माट रे ओपन करते पेंट्रे आउ थे यू एडिट कर तो आपको एडिट करा चाहते ये राइट क्लिक करेंगे ये गोटे ओपन विथ ऑप्शन ओपन विथ को जी ये पेंट आठ पेंट्रे आप ओपन करदे तो ये एडिट करें कलर आड करें ये सब रोच कि टेम्पलेट घर आप पकईकिना धरक रेड कलर देवा चाहिए ये मु कलर आड करपर ठीक अच्छे तापर थर्ड ऑप्शन वाला ये फिफ्थ ऑप्शन प्रिंटर आप टेक्स्ट कर किसी गोटे ड्र कर फिजिकल पेपर रे प्रिंट करा चाहते तो प्रिंटर आवश्यक आसो प्रिंटर कनेक्ट करा पड़ो प्रिंटर क्लिक कले से देखेद प्रिंटर कौन कौन कनेक्ट अच्छी आपड़ प्रिंटर क्लिक कले से फिजिकल कॉपी आप प्रिंटर आसीजी तापर रोच सेंड ईमेल आपड़ किसी फीडबैक देवाक चाहते प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ये ईमेल करें तापर एठी गोटे आज सेट आस बैकग्राउंड यहाँ गोटे भल जिनटे देखूँ आपन जहाँ ड्र कर डिस्प्ले आपन जमी फोन में वॉलपेपर करके चेंज करते सेमती आप कंप्यूटर डिस्प्ले किसी चेंज कराया चाहते जदि आप सेट आस डिस्प्ले बैकग्राउंड क्लिक करेंगे मुझे देखूँ आम डिस्प्ले अच्छी सिंपल गोटे विंडोज अच्छी वॉलपेपर टे मुझे वॉलपेपर चेंज कराया चाहती फाइल को जी सेट आस डिस्प्ले बैकग्राउंड क्लिक करेंगे ओके करदे ये देखो डिस्प्ले बैकग्राउंड चेंज हो गला तो ये मुझे धरकर फोन बैकग्राउंड चेंज करा चाहते तो मो पर्सनल चेज को जाकि मोर बैकग्राउंड रे से फोटो मुझे देपर तापर फोन पेंट को जीवा यहाँ आप बुझी सारे आप वॉलपेपर जमी चेंज करते कंप्यूटर स्क्रीन वॉलपेपर चेंज करवाई आम से क्या डेस्कटॉप जमी स्क्रीन को मोबाइल स्क्रीन को वॉलपेपर कमी डिस्प्ले बैकग्राउंड डेस्कटॉप क्या डेस्कटॉप बैकग्राउंड आप जहाँ किसी ड्र करड करेंगे तो नेक्स्ट आम आसूसी गोटे प्रॉपर्टीज ऑप्शन प्रॉपर्टीज कहले आपड़ी फोन में देखिपे कि गोटे पिक्चर होगा कि वीडियो होगा कि MP3 होगा तार डिटेल्स आपन देखुं तार रिनेम कौन अच्छी तार के MB रो फाइल तार डिटेल्स जानापी आप जो डिटेल्स कौन मोबाइल जो ऑप्शन शो कर जिनसटा आप सिस्टम कहु जाए प्रॉपर्टीज तार मानने डिटेल्सटा ये पिक्चर डिटेल्स देखा गले तार देखु ये आसी जा लास्ट सेव्ड अन् कौ डेट लास्ट सेव होता से आसी जा साइज अन् डिस्क 235.9 KB नौ कि MP4 होगा कि हाई क्वालिटर हो गले MB आसो आप जानते हैं MB KB विषय तापर रेजुलेसन आसी जा 96 DPI ये आप चाहिए ये आप इंचेस करिया एडिट करी करेंगे विड्थ अच्छी हाइट अच्छी
ଆପଣ ମୁଁ ରେଜୁଲେସନ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି 1200 ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ 2000 କରିଦେଲି, 2000 କରିକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 1000 ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ପିକ୍ଚର୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନେ 2000 × 1000 ଯାଏଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କଲେ ସେ ଯାଏଁ ପିକ୍ଚର୍ ରେଜୁଲେସନ୍ କିଛି ଖରାପ ଆସିବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଫଟୋ ଯାହା କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେତିକି ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ହୋଇଥିବ, ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ହିସାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁମ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ରେ ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା କ୍ଲିକ୍ କରିଥିବେ ଫଟୋ, ସେ ଫଟୋକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଜୁମ୍ କରିବେ ସେ ଫଟୋର କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ରହିବ, ବେଶୀ ଜୁମ୍ ଯାଏଁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ନହେଲେ ଅଯଥା ଅଳ୍ପ ମେଗାପିକ୍ସେଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋକୁ ଜୁମ୍ କଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ, ପିକ୍ଚର୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କ'ଣ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ରେଜୁଲେସନ୍। ଆପଣ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ସବୁ ଆଉଛି, PDF ଫାଇଲ୍ ଘରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ, ପିକ୍ଚର୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧରକର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 200 KB ଅଧିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ନେବନି ସେ ଫାଇଲ୍ଟା। ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ, ଯାହାର MB ହେଉଛି 2 MB, ତ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମାଗୁଛି 200 KB, ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ଆସିକିନା ଏଠି ରିସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଠି ରେଜୁଲେସନ୍ କମେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ରିସାଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଠି ରିସାଇଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ରେ କେତେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭର୍ଟିକାଲ୍ରେ, ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ସାଇଡ଼୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଟା ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହରିଜଣ୍ଟାଲ୍, ଆଉ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଧା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ ବା ଭର୍ଟିକାଲ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି କେତେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଠି 50 ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2 MB ଫଟୋର କ୍ୱାଲିଟି କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏଠି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଓକେ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା ଛୋଟ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି ରିସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 10 କରିଦେଉଛି, ଏଠି 10 କରିଦେଉଛି, ଏଟାକୁ ବି 10 କରିକି ଓକେ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଗଲା। ଆକୁ ମୁଁ ଧରକର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ଯାଇକି ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ କେତେ KB ଥିଲା 200, ଏଟାକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ଅବିକା ସେଭ୍ କରିବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏସ୍ କରି ସେଭ୍ କଲି, ଫାଇଲ୍କୁ ଗଲେ 3 KB ହୋଇଗଲା, 200 KB ଫଟୋ ଥିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3.1 KB ହୋଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଆପଣ ରିସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ଏ ଅପସନ୍ରେ, ଏଇଠି ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ, MB କେତେ ହେଲା କି KB କେତେ ହେଲା, ଆପଣ ଏଠି ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ 200 KB କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି ରିସାଇଜ୍ କରିଦେବି, ଏଠି 100 ନେଲି, ଭର୍ଟିକାଲ୍ରେ 100 ନେଲି ସାଇଜ୍, ତ ଏଠି ମୁଁ 500 ଆପଣଙ୍କର ରିସାଇଜ୍ କଲି ଇମେଜେସ୍ଟାକୁ, 500 ରିସାଇଜ୍ କରି ଓକେ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, କିଛି ବି ଦେଖାହେଉନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ଧରକର କିଛି ବି ଖରାପ ରେଜୁଲେସନ୍ର ଫଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଡିଟେଲିଂଟା ଆସିବନି। ମୁଁ ଏଠି ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 KB ଥିଲା, ଆର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 35.5 KB ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫଟୋର ଡିଟେଲ୍ଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ବି ଟେକ୍ସଟ କରିବା ଦେଖାହେଉନି। ଏଠି ଆପଣ 50 କରିଦେବେ, ଛୋଟ ହୋଇଯିବ ଫଟୋ, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ MB ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ, ଫଟୋର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ MB ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ସେଇ ରେଜୁଲେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ ସେଭ୍ କରିବା, ଓପନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଓପନ୍ କରିବା, ସେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସାଇଜ୍ର ଇମେଜେସ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଓପନ୍ ୱିଥ୍ କରି MS ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଓପନ୍ କରିକିନା ତାକୁ ଇଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ୱାନ୍ସ ଥରେ ଆପଣ ଧରକର ରେଜୁଲେସନ୍ କମେଇ ଦେଇକିନା ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେଜୁଲେସନ୍ ବଢ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କ MB ସିନା ବଢ଼ିଯିବ, ପିକ୍ଚର୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାରିଟିଟା ଯେଉଁ ଡିଟେଲିଂ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ସଟ କରିକା ସେ ଜିନିଷଟା ଟେକ୍ସଟ ଆଉ ଭଲ ଆସିବନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଯିବ, କିଛି ଶୋ କରିବନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆସୁଛି ଏବାଉଟ୍ ପେଣ୍ଟ, ଏବାଉଟ୍ ପେଣ୍ଟ ଆପଣ ପେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ତା'ର ଭର୍ସନ୍ ଘରିଆ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଭର୍ସନ୍ ଆଉଛି, ଭର୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ପେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରମାଣ ଏଠି କିଛି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଏସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବାଉଟ୍ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ରହୁଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ଟା ଖୋଲିଛନ୍ତି କ୍ଲୋଜ୍ର କାମ ଯାହା, ଏଇଟାର କାମ ଯାହା,
ये जो रेड बटन आसाइड तार काम जहाँ एक्जिट्र काम से आज क्लोज एक्जिट करदे एम एस पेंटा आम क्लोज हो। तो आज फाइल मेनू, फाइल मेनू आम अलरेडी कवर करदे। नेक्स्ट आप रोचे कौन होम रोचे व्यू रोचे होम्रे एत सब जिनस रोच देखिपे पेस्ट कट कॉपी क्रॉप रोटेट रोचे हेटी एडिट कलर भी रोचे कलर ऑप्शन ये सब जहाँ टॉपिक सब रोचे ताको आम नेक्स्ट डे रे केबे कवरेज करिया। तो आज फाइल मेनू थिला एतिकी टॉपिक रे तो आम ऑलरेडी कवर कर देउचंदी। नेक्स्ट टॉपिक रे देखा हबा। तो भिडियोटी जदि भल लगी थाए ताले वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे, ता पाखर थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट करिए जहाँ फल कि आम जहाँ भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करूँ आप सीधा सड़क मोबाइल ने नोटिफिकेशन शो करिए आप कौन सी वीडियो मिस कर पारे। ता सहित आम ऑनलाइन आउ ऑफलाइन कोर्स भी प्रोवाइड करछु। ऑनलाइन रे आपण पढ़ी पारे यूट्यूब माध्यम रु, ऑफलाइन आमर ऑफलाइन सेंटर अच्छी जहाँकि आम डिस्क्रिप्शन में तार आड्रेस देदेवि, कांटेक्ट नंबर वीडियो रे स्क्रोल हम आप देखिपारे आप कांटेक्ट करना। ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी नहीं पारे जार प्राइस रोचे 1000 टका। आप पीजीडी से रोचे, टैली रोचे, एडवांस पीजीडी से रोचे, डीटीबी करिया रोचे, सी प्लस प्लस इत्यादि रोचे। आप जेकोसी कोर्स उपर चाहिए आम से कोर्स उपर वीडियो बनइबू आउ तार आप सर्टिफिकेट भी गेन कर पारे। तो आज ये बंधु मैंने पुणी देखा हाँ नेक्स्ट टॉपिक रे रोचे। गुड बाय।